सब्सक्राइब करें अयुब टेक को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी समग्र आईडी को ऑनलाइन डाउनलोड या चेक कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि समग्र आईडी को ऑनलाइन डाउनलोड या चेक कैसे कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। तो आगे बढ़ने से पहले, आपने अभी तक अयुब टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे आने वाली डेली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, समग्र आईडी को डाउनलोड या चेक करने के लिए सबसे पहले आपको किसी ब्राउजर को ओपन करना है और ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है samagra.gov.in। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं samagra.gov.in। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से टाइप करना है samagra.gov.in और आपको इसको सर्च कर देना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने समग्र का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर समग्र का पोर्टल ओपन हो चुका है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इसको डेस्कटॉप मोड पर कर लेना है। तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप मोड पर करने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट को अनेबल कर देना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेस्कटॉप मोड पर आ चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको समग्र आईडी जाने प्रोफाइल देखे सेक्शन में आपको तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन में परिवार आईडी से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप परिवार आईडी से कैसे चेक कर सकते हैं अपनी समग्र आईडी को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपने समग्र आईडी बनवाया होगा तो आपको परिवार आईडी नंबर मिला होगा, या अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको राशन कार्ड के पहले पेज पर आपका परिवार आईडी नंबर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं अपनी समग्र आईडी को चेक करने के या डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार सदस्य आईडी से भी आप अपनी समग्र आईडी डाउनलोड कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर से भी चेक कर सकते हैं, या आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर से भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं परिवार आईडी से कैसे चेक कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है परिवार आईडी से। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सुनिए कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समग्र पोर्टल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं समग्र परिवार कार्ड प्रिंट करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस पहले वाले बॉक्स में आपको अपनी समग्र परिवार आईडी नंबर डालना है और यहाँ पर आपको जो ऊपर कैप्चर देख रहे हैं इमेज में, आपको इस कैप्चर को इस वाले बॉक्स में डालना है और इसे फिल करने के बाद यहाँ पर आपको देखे पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देखे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी समग्र आईडी वो आ जाएगी और यहाँ पर आपको प्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहे तो उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, या अगर आपने मोबाइल में चेक करा है समग्र आईडी तो आप उसको अपने मोबाइल में सेव करके भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से अपने समग्र आईडी को डाउनलोड या चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।